मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में एम्बुलेंस की काफ़ी किल्लत है। कभी कभी ऐसी खबरें भी सामने आती हैं कि एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से मरीज़ की मौत हो जाती है। ऐसे में मुंब्रा शहर में कई तंजीमें हैं जो एम्बुलेंस की सेवाएं दे रही हैं, जिसमें तंजीम दर्द मंदाने भी शामिल है। इस तंजीम की एक एम्बुलेंस पहले से ही चल रही थी, मगर इस शहर में एम्बुलेंस की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए अंजुमन दर्द मंदाने की तरफ से एक और एम्बुलेंस आज एनसीपी के सैयद अली भाई साहब ने उद्घाटन किया है। इस मौके पर सैयद अली भाई साहब, आशिक गर्दी, जाकिर साबले, मौलाना वहाब कासमी, अश्रीन राउत, इब्राहिम राउत और भी ऐसे कई लोग मौजूद थे। एम्बुलेंस के उद्घाटन के बाद दुआ मांगी। एक बात और आपको बता दें कि एम्बुलेंस दर्द मंदाने की तरफ से जो चलाई जा रही है, इस एम्बुलेंस की सेवा अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे भी दे सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, यानी कि आपके लिए ये एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल फ्री रहेगी। और एम्बुलेंस के ऊपर दिए गए नंबरों पर आप एम्बुलेंस के लिए संपर्क कर सकते हैं। एम्बुलेंस के उद्घाटन के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सैयद अली भाई साहब ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, हमारे शहर को एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। ये अपडेटिंग दौर के अंदर जिस तरीके से हमको एम्बुलेंस की कमियां महसूस हुई और कई लोगों की ऑक्सीजन ना रहने की वजह से हमारे शहर के लोगों की जाने गई, तो इस पर दर्दमंदा ने कोकन ने की पहली एक साल से मैं गैस के साथ में। उसके बाद उन्होंने सोचा कि शहर को एक और चीज़ देना चाहिए, तो उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस इसको दिया है। मैं उन तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि शहर के लिए एक एम्बुलेंस और आई है, जिसका फ़ायदा शहर के लोगों को मिलेगा। भाई साहब, पूरा शहर में एम्बुलेंस तो काफ़ी नज़र आ रही, लेकिन आज भी ऐसा वक्त आ रहा है कि लोगों को बॉम्बे से यहाँ पे एम्बुलेंस करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं, देखिए कैसा है कि एम्बुलेंस सारी की सारी चल रही है, कहीं कोई छिपी नहीं है, वो किसी की भी एम्बुलेंस हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि एक भी नहीं अवेलेबल रहती है ना, तो ऐसे में कभी लेना पड़ता है। लेकिन अब माशाल्लाह शहर के अंदर काफ़ी एम्बुलेंस हो गई है ना, नूरी साहब की, उनकी ट्रस्ट की तरफ से हो गई है, दो ये हो गई, अब समझ जाइए एक बढ़ गई है ना, शमीम साहब की तरफ से है ना, आवाज साहब वाली है ना, नौ हो गई, तो कभी हाँ शानू की है मेरा, तो काफ़ी एम्बुलेंस हुई है। तो अब इंशाल्लाह ताला दिक्कत नहीं होगी। कमियां तो देखिए, कमी अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत कुछ कम था ना, लेकिन अल्लाह ने इस शहर को बचा के निकाल दिया। सर, एम्बुलेंस क्या कह रहे हैं, उद्घाटन किया गया एम्बुलेंस का, ये क्या फ्री सेवा है क्या? देखो, फ्री तो हमने पहली जो एम्बुलेंस रखी है उसको भी हमने फ्री नहीं रखा है, लेकिन जिसको ज़रूरत हो और जो कुछ न देने की इस्तितात रखता है उसके लिए ये फ्री ऑलरेडी है। हमारी पहली जो एक साल से जो सर्विस दे रही है, ऐसे चंद मौके आए हैं कि कोकन तक हमको सर्विस देना पड़ी है और हमने उसको फ्री भी दिया है। जिसकी जो इस्तितात नहीं है उसके लिए हमने फ्री ही रखा है। एक गाड़ी चलती है तो उसके लिए अखराजात होते हैं, ड्राइवर मुस्तकिल होता है, तो उतने जो अखराजात है उसी के मुनासिब हम उसका रेंट भी लेते हैं। लेकिन जो इस्तितात नहीं रखता है कि मैं नहीं दे सकता हूँ, तो हमने कई सारे जो हमारे पास नोट है अभी तक एड्रेस के साथ में, कि हमने उनको फ्री सेवा दी है। और ये अभी जो हमने दूसरी ओपनिंग की है उसके लिए भी हमारी उसी तरह की है। जो न देने की इस्तितात रखता है उन्होंने भी कमज़ोर दिल और बद दिल नहीं होना है, बल्कि हमसे किसी भी वक्त, और मैं इस सेवा को अभी भी दे रहा हूँ कि रात को अगर 3 बजे भी कोई फ़ोन करता है तो मैं उसका फ़ोन अटेंड करता हूँ, और अगर ऐसे वक्त भी कोई फ़ोन करेगा तब भी इंशाल्लाह हमारी ये एम्बुलेंस सेवा में रहेंगी इंशाल्लाह। एम्बुलेंस संपर्क, ये एम्बुलेंस देखिए उसके ऊपर मैंने 6 नंबर डाल दिया हूँ, एक नहीं दो नहीं, अगर किसी एक बंदे ने नहीं उठाया, दो बंदे ने नहीं उठाए, मैंने 6 नंबर उसके ऊपर रखा होते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सेवा दे सके। आपके ट्रस्ट का नाम अंजुमन दर्दमंदान तालीम और तरक्की ट्रस्ट है, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1998 में हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती रफ़ीक पुरकर मदनी साहब, जो मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग हुए, इफ्ता की सनद लिए और उसके बाद उन्होंने इस ट्रस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह चालू किया है। मेरा नाम सरफराज अब्दुल्ला मुकादम है। ये एम्बुलेंस और इसके पहले भी जो एम्बुलेंस हमारे ट्रस्ट को मिली है वो बशीर हजवानी साहब की तरफ से मिली है, और ये एम्बुलेंस
ठाकुरवाड़ी सोसाइटी जो सिंधुदुर्ग के अंदर एक ट्रस्ट है, उन्होंने ये उनके एक मेंबर है सबा ठाकुर, उनकी वालिदा के इशारे सवाब के वास्ते ये एम्बुलेंस हम यहाँ पर दी है। और हम लोग जो है इस बात की पूरी कोशिश करेंगे, हमारे इस अंजुमन के जो मेंबर हैं, जो नाजिम हैं मौलाना जाकिर साहब, इनका फ़ोन 24 घंटे जो है अलर्ट रहता है कि जब चाहे जो है कोई भी फ़ोन करेगा फौरन इंशाल्लाह ये एम्बुलेंस उसकी खिदमत के लिए अवेलेबल रहेगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।